Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Accountancy Mock Test Part 15 and we are going to cover next 25 questions on accountancy from question number 351 to question number 375. These questions are important for all those students who are going to appear for the entrance exam of BCom, M.Com as well as it is also important for CRET entrance exam, NET, JRF, SET and CRET. So let's begin. Our first question is, the debit side of trial balance is more than 500. The reason is, जो trial balance है उसका जो debit side है उसका जो total है, जो trial balance के debit side का total है वो 500 रुपए ज्यादा आ रहा है. इसका reason क्या हो सकता है? We have four options. पहला option है received 250 rupees from Shyam debited to his account. हमने शाम से 250 रुपीस लिया और उसी के अकाउंट में डेबिट कर दिया. दूसरा, रिसीव 250 फ्रॉम शाम एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट. हमको रिसीव हुआ 250 शाम से और हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. ऑप्शन सी, सैलरी पेड 500 वाज रिकॉर्डेड इन राजूज अकाउंट. हमने सैलरी पे किया 500, उसे राजू के अकाउंट में रिकॉर्ड करके दिखा दिया. और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां पे We have received 250 from Shyam और उसी के अकाउंट में हमने उस अमाउंट को डेबिट कर दिया. तो हमारा जो डेबिट साइड है वो 500 बढ़ करके आ गया. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following statement is false? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? और यहाँ जो आप T और B देख रहे हैं ना, TB, दिस इज ट्रायल बैलेंस. तो ये जो TB आप देख रहे हैं तो ये ट्रायल बैलेंस का एक्रोनिम है. तो समझिएगा, आप कई बार क्वेश्चन में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं TB और बच्चे समझ नहीं पाते कि टीबी का फुल फॉर्म क्या है. कई बार ऐसा होता है. तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ टीबी का मतलब है इट्स अ ट्रायल बैलेंस. तो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला ऑप्शन है ड्यू टू एरर ऑफ ओमिशन ट्रायल बैलेंस विल टैली. ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा ड्यू टू एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस विल टैली. तीसरा ऑप्शन है ड्यू टू द एरर ऑफ सिंगल साइडेड ट्रायल बैलेंस विल टैली. और चौथा है ड्यू टू द एरर ऑफ डबल साइडेड ट्रायल बैलेंस विल टैली. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी. अगर सिंगल साइडेड एरर होगा तो ट्रायल बैलेंस टैली कहां से हो जाएगा? अगर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो दूसरा साइड कहां से टोटल सही होगा? तो क्वेश्चन यही था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो सी में लिखा था कि ड्यू टू द एरर ऑफ सिंगल साइडेड ट्रायल बैलेंस विल टैली. तो कहां से टैली होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड्स वर्थ ₹1000 वर गिवन अवे एज अ डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू. देखिए, हमने गुड्स परचेज करके रखे थे बेचने के लिए और हमने क्या किया, उसे डोनेट कर दिया. ठीक है, डोनेशन में दे दिया. तो डोनेशन को हम कहां क्रेडिट करेंगे, किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? वी हैव फोर ऑप्शंस. तो डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू डोनेशन अकाउंट, डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट और डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, ऑप्शन बी, क्योंकि हमने परचेज करके रखा था और उस गुड्स को हमने क्या किया, डोनेट कर दिया. ठीक है, तो दिस डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम सोहन. ठीक है, हमें ₹1000 रिसीव हुआ सोहन से. Whose account was written off as bad debt should be credited to. सोहन का अकाउंट हमने पहले क्या कर दिया था, बैड डेट्स करके दिखा दिया था. हमें लगा था कि सोहन पैसा नहीं देगा, हमारा पैसा चला गया, जिसे हमने बैड डेट्स राइट ऑफ करके दिखा दिया था. बैड डेट्स दिखाया था, उसे भी राइट ऑफ कर दिया था. ठीक है, अब ये ₹1000 सोहन से हमें रिसीव हुआ है तो इसको हम कहां क्रेडिट करके दिखाएंगे? हम इसे कैश अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट करके, बैड डेट्स अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट करके, सोहन अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट करके, या बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट करके. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैड डेट्स रिकवर्ड करके दिखाएंगे. ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में ₹1000 क्रेडिट करके दिखाएंगे. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर डोमेस्टिक यूज शुड बी डेबिटेड टू. ये सीधा सीधा ड्रॉइंग्स है. जो गुड्स प्रोपराइटर ने परचेज किया था बेचने के लिए, उस प्रोपराइटर ने उसे डोमेस्टिक यूज का मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया, इस्तेमाल कर लिया, उसे ले लिया. ठीक है, तो इसको हम कहां डेबिट करेंगे? ड्राइंग अकाउंट में, परचेज अकाउंट में, गुड्स अकाउंट में या प्रोपराइटर अकाउंट में। तो ये होगा डेबिट इन ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि जो प्रोपराइटर है उसने क्या किया, उन गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया। तो पर्सनल यूज की कोई भी चीज होती है ड्राइंग्स, ठीक है, आपको मालूम है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो कैश हो, कुछ भी अगर पर्सनल यूज के लिए हो रहा है तो लिया जा रहा है प्रोपराइटर द्वारा, तो उसे हम ड्राइंग्स कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जब प्रोपराइटर गुड्स 1000 रुपीज का ले रहा है अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो हम ये 1000 रुपीज ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा एरर, 4 एरर्स हमारे सामने दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करने वाला। सबसे पहला है रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, दूसरा रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, तीसरा है राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, और चौथा है हमारा ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब कैसे वो मैं बताता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन ए में कह रहे हैं रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही जो लेजर बनाया था उसका बैलेंस आपने गलत कर दिया था, तो जब आपने बैलेंस गलत किया तो डेबिट और क्रेडिट साइड, जब आप उसकी जो बैलेंसिंग फिगर को जब आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में लिखेगा तो इट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। दूसरा रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, ये भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं, तीसरे पे बाद में जाएंगे, चौथा जो लास्ट है उसमें कह रहे हैं कि ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, अगर किसी एक अकाउंट की एंट्री आप ट्रायल बैलेंस में करना अगर आप भूल गए तो इससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो जिस चीज से फर्क पड़ेगा तो वो ऑप्शन सी था, और वो था कि राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट, एक अमाउंट को आपने गलत अकाउंट में लिखा लेकिन करेक्ट साइड लिखा, ठीक है। तो आपने गलत अकाउंट में सही अमाउंट सही साइड लिखा, तो इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ेगा, ठीक है, सॉरी इससे ट्रायल बैलेंस को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन था ना। तो इससे ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं, विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। आपने राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट, आपने एक अमाउंट को गलत अकाउंट में सही जगह लिख दिया, तो इससे ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, A briefcase purchase for 800 rupees for the partner was debited to general expense account with rupees 80. पार्टनर के लिए ब्रीफकेस खरीदा गया 800 रुपए का और उसे जनरल एक्सपेंस अकाउंट में 80 रुपए डेबिट करके दिखा दिया। तो इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, इन द रेक्टिफाइंग एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ, जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी उसमें ड्रॉइंग कितने रुपए से डेबिट करके दिखाएंगे। ऑप्शन ए इज 880, ऑप्शन बी इज 720, ऑप्शन सी इज 800, ऑप्शन डी इज 80। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रुपीज 800, ऑप्शन सी। रीजन क्या है, क्योंकि 800 रुपीज का ब्रीफकेस परचेज किया था, ठीक है, और इसे एज अ ड्रॉइंग दिखाया जा रहा है और ऊपर से कहा जा रहा है इट्स अ रेक्टिफाइंग एंट्री, ड्रॉइंग करके दिखाया जा रहा है, मतलब जो ब्रीफकेस खरीदा गया था वो पार्टनर के पर्सनल यूज के लिए खरीदा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद बता रहा है कि रेक्टिफाइंग एंट्री में हम ड्राइंग कर रहे हैं। तो जो परचेज अकाउंट किया गया था ब्रीफकेस का वो पार्टनर के पर्सनल यूज के लिए किया गया था, और तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हम क्या करेंगे, 800 को दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने रेक्टिफाइंग एंट्री ड्राइंग्स का पूछा है, तो हम 80 रुपीज को अभी यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, हम 800 ही लेकर के चलेंगे। तो 800 रुपीज हम क्या करेंगे, उसे पर्सनल अकाउंट के लिए मतलब ड्राइंग अकाउंट के लिए हम दिखाएंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट करके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, उनको कंसिडर करना है, और क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने एक अकाउंटिंग ईयर में क्रेडिट परचेज किया, उधार में सामान खरीदा और उसे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्ड नहीं किया, बट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी, लेकिन उसे हमने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा इसका, इट इज टू बी एडेड टू द परचेज अकाउंट, क्या हम उसे परचेज अकाउंट में ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि एडेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या हम उसे क्रेडिटर्स अकाउंट में ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं सब्सट्रैक्टेड टू द क्लोजिंग स्टॉक, क्या हम उसे क्लोजिंग स्टॉक में सब्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे। चौथा है एडेड टू द ओपनिंग स्टॉक, क्या हम उसे ओपनिंग स्टॉक में ऐड करके दिखाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए एंड बी, मतलब ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। हम उसे क्या करेंगे? एडेड टू द परचेज अकाउंट एंड एडेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट, ये दोनों करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेल्स टू राम रुपीज 336 हैव बीन डेबिटेड टू शाम्स अकाउंट। हमने क्या किया कि राम को सेल किया 336 रुपीज का और शाम के अकाउंट से क्या किया? उसे डेबिट कर दिया। दिस विल बी रेक्टिफाइड बाय, तो ये कैसे रेक्टिफाई होगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डेबिटिंग राम्स अकाउंट एंड क्रेडिटिंग शाम्स, दूसरा ऑप्शन है डेबिटिंग शाम्स अकाउंट एंड क्रेडिटिंग राम्स अकाउंट, तीसरा है क्रेडिटिंग बोथ द अकाउंट्स, और चौथा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेबिटिंग राम्स अकाउंट एंड क्रेडिटिंग शाम्स। तो हम राम के अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और शाम के अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कार्टेज पेड फॉर 500 रुपीज फॉर न्यूली परचेज मशीनरी। हमने एक नई परचेज न्यूली परचेज मशीनरी का 500 रुपए का कार्टेज खरीदा। इफ डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट विल अफेक्ट, उसे हमने कार्टेज अकाउंट में क्या किया? डेबिट किया, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इसका इफेक्ट बोथ द कार्टेज एंड मशीनरी अकाउंट पे पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं ओनली मशीनरी अकाउंट पे पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं ओनली कार्टेज अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, और चौथा कह रहे हैं नो अकाउंट, किसी अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहली बात, नो अकाउंट पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोनों अकाउंट में फर्क पड़ेगा, ऑप्शन ए। कार्टेज हमने पे किया 500 रुपीज का जो न्यूली परचेज मशीनरी थी, और उसे डेबिट किया कार्टेज अकाउंट में, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कार्टेज अकाउंट में भी फर्क पड़ेगा और मशीनरी अकाउंट में भी फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से कुछ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के कुछ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। आई गेस कि ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब प्रिपेयर किया जाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला, टू नो द बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक के बैलेंस को जानने के लिए। टू नो द बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक के बैलेंस को जानने के लिए। टू टैली द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस, और लास्ट में कह रहे हैं नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं टू टैली द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस, ताकि कैश बुक के बैलेंस को हम पासबुक के बैलेंस के साथ क्या कर सकें? टैली कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है, किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? क्या रिकंसाइल करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। टू रिकंसाइल ट्रायल बैलेंस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, टू रिकंसाइल प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, टू रिकंसाइल द कैश बैलेंस एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, और लास्ट ऑप्शन है हमारा, टू रिकंसाइल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम रिकंसाइल कर सकें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मींस। बैंक पासबुक का डेबिट बैलेंस जो होता है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, मींस बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा ऑप्शन है बैंक बैलेंस, तीसरा है बैलेंस एज पर कैश बुक, और चौथा है टोटल ऑफ बैंक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन ए। जो डेबिट बैलेंस होता है ना पासबुक का एज पर बैंक पासबुक, उसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक मींस। जो बैंक पासबुक होता है उसका क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, डेबिट बैलेंस का हमको मतलब मालूम है कि इट्स अ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? इट्स बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक और टोटल ऑफ बैंक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बैंक बैलेंस। जो क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक पासबुक का, उसका मतलब होता है इट्स अ बैंक बैलेंस। ठीक है, इट्स योर बैंक बैलेंस, जो भी क्रेडिट बैलेंस बैंक पासबुक में दिखाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अ बैंक पासबुक। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बैंक पासबुक के हिसाब से सही है। पहला ऑप्शन है पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक बुक्स। दूसरा कह रहे हैं पासबुक कंटेन अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स करेंट अकाउंट इन कैश बुक। तीसरा कह रहे हैं पासबुक कंटेन अ कॉपी ऑफ कैश कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक। और लास्ट कह रहे हैं कि पासबुक कंटेन्स अ कॉपी ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन कह रहा था विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ बैंक पासबुक। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बैंक पासबुक के लिए एकदम सही है। तो जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक का जो पासबुक होता है इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक बुक्स। ठीक है, बैंक की बुक में जो कस्टमर का जो अकाउंट है उसकी कॉपी होती है बैंक का पासबुक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक रिकंसिलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय। जो बैंक का रिकंसिलेशन है वो कौन प्रिपेयर करता है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, सोल प्रोपराइटर कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडीज, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया सब प्रिपेयर करते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। बैंक रिकंसिलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑफ द अबव। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंट्री इन डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक इंप्लाइज। जो बैंक पासबुक है उसके डेबिट साइड में जो एंट्री होती है वो क्या इंप्लाई करता है। ठीक है, चेक पेमेंट्स ऑप्शन वन, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज कैश विड्रॉन, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ रॉन्ग एंट्री ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वुड लीड टू। अगर हमने जो डेबिट साइड कैश बुक के डेबिट साइड में अगर हमने रॉन्ग एंट्री कर दी तो इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, कैश बुक के डेबिट साइड में अगर हमने रॉन्ग एंट्री कर दी तो इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, ऑप्शन है कैश बुक शोइंग मोर बैलेंस, ऑप्शन बी कैश बुक शोइंग लेस बैलेंस, ऑप्शन सी कैश विड्रॉल, ऑप्शन डी परचेजेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैश बुक शोइंग मोर बैलेंस। अगर हमने कैश बुक में डेबिट साइड में गलत एंट्री कर दी तो इससे क्या होगा, गलत एंट्री का मतलब एक एडिशनल एंट्री कर दी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो कैश बुक होगा वो ज्यादा बैलेंस दिखाएगा। डेबिट कैश बुक के डेबिट साइड में रॉन्ग एंट्री कर देंगे तो कैश बुक में ज्यादा आपको बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आर। चेक इशू किया लेकिन उसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऑप्शन बी रिकॉर्डेड इन पासबुक, ऑप्शन सी रिकॉर्डेड इन डेबिट नोट, ऑप्शन डी नॉट रिकॉर्डेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशू किया लेकिन उसे हमने क्या किया, पेमेंट के लिए अभी प्रेजेंट नहीं किया। हमने क्या मतलब जिसको दिया था उसने अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक कलेक्शन के लिए भेजा गया लेकिन उसे कलेक्ट अभी तक नहीं किया गया तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे। इट शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन पासबुक, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट नोट और नॉट रिकॉर्डेड। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में था कि चेक इशू किया था लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया था, उसे हम क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। यहां पे चेक भेजा है कलेक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ बट नॉट येट कलेक्टेड, तो इसकी भी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी कैश बुक में। ठीक है, पिछले में हम इशू कर रहे थे, अभी हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट रिसीव्ड। चेक भेजा था कलेक्शन के लिए लेकिन अब रिसीव नहीं किया हमने भेजा था, रिसीव नहीं किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द बैलेंस ऑफ कैश बुक शोस। जो कैश बुक का बैलेंस है वो क्या शो करता है? नेट इनकम, कैश इन हैंड, नेट एक्सपेंडिचर, नेट बैंक बैलेंस। तो भैया कैश बुक का जो बैलेंस है वो कैश इन हैंड शो करता है कि आपके पास कितना कैश इन हैंड है। अगला क्वेश्चन है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो है अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ लेजर अकाउंट, a statement showing the asset for difference between the balance of cash book and passbook, a summary. तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना वो क्या शो करता है? वो शो करता है ऑप्शन सी, a statement showing the assets for difference between the balances of cash book and passbook. ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is a statement showing the asset for difference between the balances of cash book and passbook. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक मींस। जो कैश बुक है उसका डेबिट बैलेंस क्या बताता है, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ऑप्शन बी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ऑप्शन सी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ऑप्शन डी नाइदर ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जो डेबिट बैलेंस होता है ना कैश बुक का, वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक मींस। जो क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक का उसका मतलब क्या होता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, दूसरा ऑप्शन फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तीसरा ऑप्शन फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। जो क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का वो क्या शो करता है? वो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक शो करता है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है हमारा एंट्री इन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक पासबुक शोज। जो बैंक का पासबुक है उसकी क्रेडिट साइड की एंट्री क्या शो करता है? पर्सनल एक्सपेंसेस, दूसरा ऑप्शन है बिजनेस एक्सपेंसेस, तीसरा ऑप्शन है कैश और चेक डिपॉजिटेड इन बैंक और चौथा है कैश विड्रॉन। तो बैंक पासबुक का जो क्रेडिट साइड की जो एंट्री होती है ना वो शो करती है कैश और चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। All the best for your examination. Have a good day.